Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. And ये video कुछ भी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा special वाला video नहीं है. Just a random vlog where I've shot few clips. जब जब कुछ कुछ हो रहा था तो मैंने ऐसे ही कुछ कुछ vlog बना मतलब कुछ कुछ shots लिए थे. तो वो सब include करूँगी. और इतने दिनों से मैंने कोई भी video upload नहीं किया है. It's because मेरी तबीयत किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ हो रहा था मुझे. एंड अभी भी मुझे बुखार और खांसी है. और आप मेरी आवाज़ में भी डिफरेंस नोट कर सकते हो. मेरी आवाज़ भी बदल चुकी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है. सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा है एंड इतना इची हो रहा है मेरा थ्रोट ना, बहुत ज़्यादा इची फील हो रहा है मुझे. और उसकी वजह से देखो बॉडी इतनी हीट हो चुकी है कि पिंपल्स हो गए मेरे चेहरे पर भी. इतनी ज़्यादा नींद आ रही है. अभी जस्ट मैं मुस्तफ़ा गई थी. ये अगस्त का स्टार्ट है तो मैंने सोचा कि ग्रॉसरी ले आऊँ इस महीने के लिए, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं था. और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काफ़ी दिन मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करके खाया है क्योंकि तबीयत ही सही नहीं थी. बर्थडे गया जस्ट अभी हुआ है 30th of July को. एंड जो जो लोगों ने मुझे विश किया है, थैंक यू सो मच. बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर कहीं मुझे विश किया था, तो थैंक यू सो मच. और मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाई एंड मैंने कुछ व्लॉग भी नहीं किया बर्थडे पे क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं हुआ. मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ नहीं थे तो इतना ज़्यादा मनाया भी नहीं. बस मैंने ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया था एंड केक कट किया और कुछ पिक्चर्स लिए. अभी मैं महीने का ग्रॉसरी अरेंज करूंगी, सब कुछ अपने कैबिनेट में रखूंगी. और एक बहुत बड़ा चेंज है कि मैंने अपने बाल कटा लिए. ये देखिए, एकदम शॉर्ट बाल करा लिए हैं मैंने, जबकि मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे थे. और अभी मैंने इसको टोटली शॉर्ट करा लिया. डिफरेंट लुक यू नो ऑल टुगेदर, क्योंकि इतने सालों से मैं हमेशा से लंबे बाल बढ़ा रही हूँ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके एकदम से शॉर्ट करा लूँ. तो बहुत शॉर्ट कर लिए मैंने अपने बालों को. एंड बहुत जल्द मैं अपने घर का मतलब होम टूर वीडियो बनाने वाली हूँ. थोड़ी बहुत सेटल हो जाए मेरी तबीयत फिर मैं वो वीडियो बनाऊँगी. तो अभी मैं आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी आया है इस महीने, क्योंकि घर पे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी. और ये देखिए, 6 बैग आए हैं इन टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 एंड वहाँ अंदर तक है 6. तो बहुत सारा सामान है, अराउंड $150 का सामान है ये पूरा. तो अभी मुझे ये सब कुछ अपने कैबिनेट्स में अरेंज करना है. वो अरेंज करने के बाद आपसे मिलती हूँ. और एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फ्रूट दिखाऊंगी जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. एंड अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो ये फ्रूट डेफिनेटली ट्राई करना. अभी वो दिखाऊंगी मैं जब खाती रहूँगी. ओके, सो या पहले ही ग्रॉसरी अरेंज कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ. इस फ्रूट का नाम है मैंगोस्टीन. तो मैंने 2 kg मैंगोस्टीन फ्रूट्स लाए हैं. और इस फ्रूट को किंग ऑफ फ्रूट्स होता है सिंगापुर का, जो फेमस फ्रूट है डूरियन. तो डूरियन फ्रूट के सीजन में ये मैंगोस्टीन भी आते हैं, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही गहरा कनेक्शन है. जैसे कि हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली बोल सकते हो. जस्ट किडिंग, इनका एक्चुअल में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है. इट्स बिकॉज डूरियन एक ऐसा फ्रूट है जिससे खाने से ना, डूरियन बहुत हीटी होता है मतलब बहुत गर्म फ्रूट होता है. तो डूरियन के सीजन में ये मैंगोस्टीन आता है. इट्स बिकॉज मैंगोस्टीन इज रियली कूलिंग टू योर बॉडी. सॉरी, कुछ शोर आ रहा है, वो मेरे हैमस्टर्स कुछ शोर मचा रहे हैं. तो जब आप डूरियन खाते हो उसके साथ साथ मैंगोस्टीन खाते हैं, क्योंकि जब डूरियन आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट करता है तो मैंगोस्टीन उसको कूल डाउन करने में हेल्प करता है. तो ये वाला फ्रूट मुझे बहुत पसंद. वैसे मुझे डूरियन भी बहुत पसंद है. कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होगा बट मेरा तो फेवरेट है. डूरियन खाने के बाद मैंगोस्टीन ज़रूर खाना होता है. ये कुछ ऐसा दिखता है. ये देखिए, ऊपर इसमें ऐसी कलियाँ हैं ऐसे, और यहाँ नीचे कुछ ऐसा है. और इसको बोलते हैं कि इसमें ये जितने स्पाइक्स होते हैं ना इस फ्रूट पे, अंदर उतने ही फ्रूट होते हैं. फ्रूट के जो सीड होते हैं ना उतने ही होते हैं. जैसे कि इसमें है 7 है, यस, तो इसमें 7 है, तो अंदर इसमें 7 कलियाँ ही होंगी. जैसे कि दूसरा दिखाऊंगी मैं आपको, ये देखिए, दिस इज अनदर वन. तो इसमें जैसे आप देख सकते हो इसमें 6 है, तो इसमें अंदर 6 कलियाँ ही होंगी. जैसे कि लहसुन की कलियां होती है ना, वैसे ही इसके अंदर होता है. तो इसको खोलने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं दिखाऊंगी कि बहुत बहुत टेस्टी होता है. इसको इस तरीके से कुछ प्रेस करके ना इसको ऐसे खोलना होता है. ये देखिए, ये खोलने के बाद अंदर से कुछ ऐसे दिखता है.
or you can count 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 है इसमें. ओके, फॉर एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट ये 5 वाला मैं खोलूंगी. तो ये 5 वाला खोल के दिखाऊंगी कि इसके अंदर 5 ही होंगे, 100% श्योर. तो ये देखिए इस तरीके से खोल रही हूँ. यस, इट्स सो ब्यूटिफुल एंड इतना जूसी होता है ये फ्रूट. 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 का था ना ये. हाँ जी, 6 का था. तो इसके अंदर 6 कली आई है. मेरी खांसी बहुत गंदी वाली है. तो इसको इस तरीके से खाना होता है. इन सारों में से सिर्फ एक में हार्ड वाला सीड होता है, बाकी सारे तो आप पूरा खा सकते हो. इतना टेस्टी होता है, एक बार आप खाना शुरू कर दो ना, मैं अकेली 2 kgs ऑफ मैंगोस्टीन खत्म कर सकती हूँ. एक्चुअली मैं 3 kgs खाती थी, बट अभी थोड़े बहुत महंगे चल रहे हैं तो मैंने सिर्फ 2 kg लाए थे. ये पूरा मैं अभी एक ही शॉट में खत्म कर सकती हूँ. बहुत यामी फ्रूट होता है. एक बार क्या हुआ था कि मैं इंडिया जाने वाली थी और ये फ्रूट लाए थे मैंने यहाँ पे सिंगापुर में, और ये फ्रूट बच गए थे. तो घर पे कोई और खाता है नहीं मैंगोस्टीन, तो मैं इंडिया लेके गई थी और मेरे मम्मी पापा को खिलाया था मैंने. दे जस्ट लव दिस फ्रूट, उनको इतना पसंद है. और मेरे पास सिर्फ 5-6 कुछ बचे थे घर पे, तो मैं वो बैग में डाल लेकर चली गई थी. ऐसे ही खराब होने से अच्छा है कि मैं लेके चली जाऊँ. तो उनको इतना पसंद आया, लिटरली वो लड़ लड़ के खाए हैं एक फ्रूट. यू नो, इतना यम्मी, बहुत टेस्टी होता है ये. गायब हो जाएगा मुंह में, इतना जूसी होता है. जैसे ही आप उसको च्यू करते हो ना, इतना उसका जूसीनेस फ्लेवर्स बाहर आ जाते हैं. ये ऑलमोस्ट 2 kgs हैं और इतने मैं खा चुकी हूँ आपसे बात करते करते. अभी इतने सारे बाकी हैं, तो मैं ये अभी 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूंगी इन सबको. तो अभी कुछ दिन पहले मेरा ओवन, जो पुराना वाला ओवन था, वो ख़राब हो गया. तो उसके लिए दूसरा नया ओवन लिया मैंने. ये वाला आप देख सकते हो, बिल्कुल नया वाला ओवन लिया हमने, जो कि है सानियो ब्रांड का. और बस 8 ही दिन हुए हैं ओवन को चेंज किए हुए. अभी देखा तो फ्रिज भी खराब हो चुका है. ये आप देख सकते हो, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला. पूरा वेजिटेबल बॉक्स जो है सड़ गया था. मैंने यहाँ पे अभी काफ़ी सारी वेजीज फेंकी हैं जो खराब हो चुकी, क्योंकि मुझे पता चला ओनली आफ्टर 14 आवर्स कि मेरा फ्रिज चल नहीं रहा है. एंड आप देख सकते हो इतना सारा सामान था, ये वाली सब्जी खराब हो गई है. एंड थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने मेरे एयरकॉन वाले रूम में जाके शिफ्ट कर दी है, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत तो ठंडा रहेगा. और बाकी की बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई. एंड फ्रीज़र में से तो आप पूछो मत, सारा ख़राब हो गया. मटर, कॉर्न, फ्रोज़न आइटम्स, फिश थी, चिकन था, वो सब कुछ ख़राब हो गया. मेरी आइसक्रीम्स तक, ये देखिए मैं कैंडी आइसक्रीम्स ला के रखती हूँ, ये तक पिघल चुकी हैं. बस इसमें अभी लिक्विड पानी है. तो पता नहीं कैसे सडनली फ्रिज खराब हो चुका है. लाइट जल रही है मगर ये बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है. एंड आपको पता है सिंगापुर में कितनी ह्यूमिडिटी होती है, उस वजह से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो चुकी है. तो ओनर ने बोला है कि वो अभी फ्रिज रिप्लेस करेगा, तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ से हटानी है, मेरे सुविनर्स. एंड अभी मैं फ्रिज को खाली कर रही हूँ, तो वही प्रोसेस जारी है. एंड आप देख सकते हो वहाँ सारा सामान मैंने रख दिया है निकाल के. अभी बहुत सारा सामान निकालना बाकी है. अभी मैंने सारे सुविनर्स निकाले जो मेरे फ्रिज पे लगे हुए थे. आप देख सकते हो इतने सारे सुविनर्स थे मेरे फ्रिज में, मेरे फ्रिज के ऊपर लगे हुए थे ये सारे. तो मैंने ये सारे निकाले. अब नया फ्रिज आएगा तो उन पर लगाऊंगी. इतनी सारी कंट्रीज, दिस इज अ बोल ऑफ कंट्रीज जो मैंने ट्रैवल किया है. ठीक है, आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा थाईलैंड वगैरह दिखेगा इसमें. बट हाँ, काफ़ी सारे सुविनर्स हैं, ये सारे अब मैं नए फ्रिज पर लगाऊंगी. तो मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट अभी ऐसा लग रहा है, इस पर कुछ नहीं बचा अभी. ये लेके जाके वो लोग डंप कर देते हैं. जनरली सिंगापुर में रिपेयर्स होना बहुत रेयर होता है फ्रिज. तो हाँ, ये 2 स्विनर्स बाकी हैं, इनको निकालना. ये चिपक गए हैं तो इनको कैसे निकालूं सोचूंगी मैं भी. कहते हैं ना कभी कभार बुरा टाइम चलता है तो बहुत सारी चीज़ें बुरी हो जाती है. तो कुछ ऐसा ही टाइम चला है मेरे साथ भी अभी. क्या हुआ है कि जब से ये साल स्टार्ट हुआ है ना कुछ चीज़ें खराब हो रही है मेरे घर पे. जैसे कि आई मीन लास्ट ईयर भी कुछ कुछ हुआ था, बट देन मुझे ऐसे लगा कि हाँ जनरली होता है ना, वैसे ही कुछ खराब हुआ है. मेरा जो शेल्फ में जो ग्लास है वो टूट गया था, तो उसको चेंज करवाया. ठीक है, उसके बाद टीवी सडनली चलते चलते बंद हो गई, तो टीवी को भी ओनर ने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, उसके बाद सडनली फैन बंद हो गया थोड़े ही दिनों बाद,
तो फैन भी नया लेके आई मैं. उसके बाद मेरा मिक्सी जो मिक्सर ग्राइंडर है वो खराब हो गया, तो मिक्सर ग्राइंडर भी नया लाया. एंड बाथरूम की लाइट खराब हो गई वो भी नया लाया. एंड उसके बाद हॉल में जो लाइट थी वो भी खराब हो गई, वो भी नया डलवाया. एंड उसके बाद क्या खराब हुआ, उसके बाद सडनली कुछ दिन चलते चलते सडनली माइक्रोवेव गर्म करना बंद हो गया, ठंडा मतलब माइक्रोवेव चलना बंद हो गया. तो फिर से नया माइक्रोवेव भी लाया और वो मतलब ओनर ने नहीं रिप्लेस किया, वो मैंने खुद लाया. एंड उसके बाद फ्रिज जो है चलते चलते बंद हो गया यार. मतलब फ्रिज का तो इतना अनएक्सपेक्टेड था, जैसे माइक्रोवेव चलने के बाद ही एक वीक के बाद ये सब कुछ हुआ है. कुछ आवाज़ कुछ काम चल रही है मेरे घर के नीचे तो इसलिए कुछ बैकग्राउंड साउंड आएगा, सॉरी फॉर दैट. तो अवन के खराब होने के एक वीक बाद ही फ्रिज खराब हो गया, तो मतलब बैक टू बैक ऐसी चीजें खराब हो गई. तो फ्रिज ओनर ने रिप्लेस किया लकीली, बट देन यहाँ कुछ अमाउंट देना होता है जब चीजें रिप्लेस होती है ओनर से, तो कुछ एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, तो उतना अमाउंट आपको देना है और बाकी का जो ऊपर का अमाउंट होता है वो खुद ओनर डालकर आपको नई चीज दे देते हैं. एंड उसके बीचों बीच क्या हुआ कि मैं बाथरूम क्लीन कर रही थी और मैं बाथरूम में लॉक हो गई. एंड मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक ओके, तो मतलब मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है ओके. तो इसलिए मैं फ्लाइट में भी मिडिल सीट या फिर विंडो सीट में नहीं बैठती हूँ, मैं हमेशा आइल सीट रिक्वेस्ट करके आइल सीट लेती हूँ. तो आप इमेजिन कर सकते हो मैं 45 मिनट्स के लिए बाथरूम में लॉक थी. एंड देन लॉकस्मिथ आया, लॉक तोड़ा, पूरा डोर को तोड़ना पड़ा उस बाथरूम के डोर को. तो अभी दोनों डोर्स ना ओनर चेंज करवा रहे हैं. तो आप सोचिए बैक टू बैक चीजें, मतलब एक के बाद 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 एक चीज खराब हो रही है. एंड उसके बाद सोने पे सुहागा, फिर क्या हुआ जो कि मेरा आईपैड है, आईपैड चलना बंद हो गया, उसका स्क्रीन खराब हो चुका है. सो ऐसी चीजें ना मतलब दिमाग खराब हो जाता है आपका ना, मतलब ऐसे लगने लगता है क्या पनौती लग गई है यार. मतलब बैक टू बैक एक के बाद एक चीज़ें खराब हुए जा रही है. एंड चेंज करें भी तो कितनी सारी चीज़ें चेंज करें यार, एक दो तो समझ आता है हाँ बहुत ज़्यादा. मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके इस घर में रहते रहते, तो कुछ चीज़ें खराब हो रही है. बट देन ऐसे सडनली बैक टू बैक ऐसी चीज़ें खराब होती हैं तो दिमाग खराब हो जाता है. तो मेरा मतलब इतना मूड ऑफ चल रहा था थोड़े दिनों से. अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर. तो अभी होपफुली कुछ खराब ना हो एंड सब कुछ ठीक ठाक चले. और इतना इरिटेटेड फील कर रही हूँ मैं इस आवाज़ से, कुछ चल रहा है यार. मतलब पूरे घर में ये आवाज़ चल रही है अभी, तो मैं किसी भी रूम में जाके व्लॉग करूँ ना तो ये आवाज़ ज़रूर आएगी. बट मुझे बात बोलना भी बहुत ज़रूरी था आप लोगों से, क्योंकि अब ना पूरा घर नया बन चुका है, क्योंकि हर चीज़ नई है. इमेजिन बाथरूम के डोर्स नए बिठा रहे हैं, ऐसे बंद हो गई थी यार मैं. मतलब मैं वो एक्सपीरियंस मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा बाथरूम में लॉक हो जाना. एंड इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड यू नो. जस्ट टू एनहांस मेरा बैड मूड, तो मैंने कुछ ये वाले किचन के स्टिकर्स लाए हुए हैं जो कि कुछ इस तरीके से 3D स्टिकर्स हैं. तो मैं इनको ना किचन के वॉल पे पेस्ट कर रही हूँ अभी. तो मैंने 2 तो लगा दिए हैं और बाकी के मैं इस वाले वॉल पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरी किचन ऐसे पैसेज की तरह है, ये वाला सेक्शन और ये कुकिंग सेक्शन एक है. तो अभी मैंने यहाँ पे एप्पल और ये टोमेटो है या एप्पल है, शायद एप्पल ही होगा, ये लगाया, दिखाती हूँ अभी आपको. ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे जैसे कि ये 2 लगाए हैं, ये 3D इफेक्ट है तो ऐसे लग रहा है कुछ. तो ये मैंने किचन के जो मेरा यहाँ पे एक किचन मेमो है उसके बगल में ये लगाया है. तो अभी मैं इस वॉल पे, ये काफ़ी खाली है तो यहाँ पे मैं बाकी के लगाऊंगी अभी, ठीक है. देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जैसे इग्नोर और सारी चीज़ें, बहुत सारा फैलाना ऐसे ही फैला रखा है मैंने. तो ऐसा कुछ लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और 3D इफेक्ट होने की वजह से ना ऐसे लग रहे जैसे रियल फ्रूट्स रखे हो वहाँ पे. तो मैंने कुछ ऐसा लगाया, आप डिफरेंट तरीके से भी लगा सकते हो इसको. यहाँ और मैंने वहाँ पर सिर्फ 2 ही लगाए हैं, एप्पल और टोमेटो या एप्पल, अभी भी कन्फ्यूज हूँ मैं. तो मैंने यहाँ पर कुछ 2 लगाए एंड यहाँ पे लगाया.
तो बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे आपको ना बहुत सारे वैरायटीज मिलते हैं इसमें, आपको बहुत सारे वैरायटीज दिखते हैं आपको, जैसे कि रूम डेकोर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। देखिए रूम के लिए, ये तो किचन का है पूरा सेट, मगर रूम के लिए भी काफ़ी सारे थे वहाँ पे, बट मैंने सिर्फ यही लिया। तो आई एम रियली सैटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी विद दिस।